साल रफीक सर जो कि मूवी मैक्स डिजिटल सिनेमा के कर्ता धरता है। सर आपसे जानना चाहेंगे, सूर्यवंशी फिलहाल तीसरे हफ्ते में है और इस फिल्म से किस तरह का रिस्पांस मिला है आपके थिएटर को और कितना फ़ायदा हुआ है या क्या रिस्पांस है? हमें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी भी पब्लिक आ रही है और फिल्म को देख रही है, इंजॉय कर रही है और अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इस फिल्म के जो पहले हफ्ते के शोज थे उसके बारे में बताइए, किस तरह से रिस्पॉन्स था थिएटर? मैक्सिमम शोज फुल गए हुए, मैक्सिमम शोज। अच्छा, कितने शोज रखे थे आपने पहले हफ्ते? हमने 10 शो रखे थे। मैक्सिमम शोज फुल गए, मैक्सिमम। अच्छा। और सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक में भी 50%, 40%, 60% हर शो का अलग अलग ये हुआ है। और ये तीसरा हफ्ता कैसे जा रहा है सूर्यवंशी का? तीसरा हफ्ता थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है फिर भी। अच्छा, जिस हिसाब से थर्ड वीक है उस हिसाब से ठीक ठाक है। आज कहीं ना कहीं फैमिली ऑडियंस भी आ रही है क्या? आज भी आ रही है? मतलब फैमिली ऑडियंस ही आ रही है ज़्यादातर इस फिल्म में, ज़्यादातर। अच्छा, और मैं अगर ये पूछा चाहूँ कि किस तरह से कलेक्शंस हुए या किस तरह से मतलब इस फिल्म की वजह से फ़ायदा हुआ आपको या ऐसा कुछ पूछना चाहूँगा तो क्या मतलब फिल्म में कलेक्शंस कमाए आपके, थोड़ा कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना फ़ायदा सर। अच्छा, फ़ायदा अच्छा। हुआ ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा रिस्पांस है और अच्छा फ़ायदा हुआ। तो आखिरकार अक्षय कुमार शेट्टी को क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, और उन्होंने थिएटर वालों के बारे में सोचा और बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारा पूरा स्टाफ उनका शुक्रगुजार है। मतलब 19 महीने जो रुका के उन्होंने डिसीजन लिया वो अच्छा, बहुत अच्छा लिया। अच्छा, और आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि थिएटर पे ज़्यादा ध्यान दें। रफीक सर क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक सूर्यवंशी नहीं देखी इतनी बड़ी फिल्म? जो लोग नहीं देखे हैं उनको भी आके देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा पब्लिक का रिव्यू है और रिस्पॉन्स है। आप लोग जो भी लोगों ने फिल्म नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है, आकर मूवी मैक्स में ये फिल्म देखिए, हमारे सिनेमा में, आपके विरार में हम आपके लिए आए हैं। प्लीज़।